हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल खनन ज्ञान पे फिर से आप लोगों का स्वागत है। आशा करता हूँ इस दुख भरी समय में आप लोग सही सलामत होंगे। तो आपका समय ना बर्बाद करते हुए फिर से मैं आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रिपिंग रेशियो। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एक न्यूमेरिकल जो क्वेश्चन है लगभग हर एक एग्ज़ाम में आ ही जाता है और इसको जानना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट आप लोग फिर से कि जिन्होंने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक कर दें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस मेरे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो आप उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और कोई भी टॉपिक आप मिस ना करो। ठीक है, तो चलते आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो सबसे पहले देखेंगे स्ट्रिपिंग रेशियो जो है हम लोग निकालते क्यों हैं। तो जब भी कोई ओपन कास्ट माइन खोलना होता है, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं। इससे पता चलता है कि हम लोग किस तरह का मैकेनाइजेशन के द्वारा हम लोग खनन कर सकते हैं और जो हमारा जो खनन प्रक्रिया होगा वो हमारे लिए लाभकारी है कि नहीं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, और स्ट्रिपिंग रेशियो अब होता क्या है, स्ट्रिपिंग रेशियो जो क्या होता है कि ओवरबर्डन, ठीक है, क्या होता है कि ओवरबर्डन और निकाले गए मिनरल या कोयले के बीच में एक रेशियो होता है। ठीक है, जिसके कारण से हमें पता चलता है कि कितना कोयले पे कितना ओवरबर्डन हमें रिमूव करना पड़ेगा ताकि हमें जो अपना जो खनन जो कार्य कर रहे हैं उनसे जो प्रोडक्शन मिलेगा। ठीक है, तो चलते हैं। तो स्ट्रिपिंग रेशियो जो फॉर्मूला है वो है क्या, स्ट्रिपिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब। जो हम लोग ओवरबर्डन का जो वैल्यू लेते हैं वो क्या लेते हैं, इन मीटर क्यूब में वॉल्यूम का, ठीक है, ओवरबर्डन का, और डिवाइडेड बाय वेट ऑफ रिकवरेबल मिनरल्स इन द टन। ठीक है, ये हम लोग निकालते हैं, स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का यही फॉर्मूला है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे हमेशा, इसी से आपको सारा जितना भी न्यूमेरिकल स्ट्रिपिंग रेशियो का है वो सॉल्व होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट आता है, ठीक है, कि स्ट्रिपिंग रेशियो जब हम निकाल रहे होते हैं तो उसके ऊपर एक और जो छोटा सा टॉपिक आता है वो होता है क्या कि ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो होता क्या है। ठीक है, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो क्या होता है कि जब ओवरबर्डन हम लोग रिमूव कर रहे होते हैं, ठीक है, जब ये कोई माइनिंग कर रहे होते हैं तो क्या होता है कि एक समय ऐसा आता है उनकी गहराई के कारण या फिर ओवी जो रिमूवल होता है वो हमारे जो खनन कार्य होता है वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होता, मतलब कि इतना ओवरबर्डन हटाना पड़ सकता है कि जो कोल जो हम निकाल रहे हैं उसको बेचने के बाद हमारा जो लागत जो है वो निकल नहीं पाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को, ठीक है, वो इकोनॉमिक रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो, इसको इकोनॉमिकली नॉट प्रॉफिटेबल भी बोल सकते हैं। ठीक है, इकोनॉमिकली नॉट प्रॉफिटेबल ऐसा पॉइंट जहां पे हम लोग को क्या हो कि निकाले गए जितने भी, ठीक है, निकाले गए जो और मिनरल है उनका जो खर्च जो है, उनका दाम जो वैल्यू जो है वो खर्च किए गए से क्या होता है, इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबल नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है ब्रेक इवन स्ट्रिपिंग रेशियो। इसको हमेशा रखिए, इसे न्यूमेरिकल नहीं आता हालांकि, बट ये पॉइंट को हमको ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो उदाहरण के लिए एक क्वेश्चन हम लोग स्ट्रिपिंग रेशियो पर देखेंगे। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग रेशियो माना कि हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ कि स्ट्रिपिंग रेशियो को निकालना है। ठीक है, जहां पर आयतन ओवरबर्डन का आयतन जो दिया हुआ कितना है वो है 300,000 m³ और निकाले गए कोल का भार जो है वो कितना है 1,50,000 t। ठीक है, तो हमारे पास जो फॉर्मूला, हमारे पास जो वैल्यू दिया हुआ है वो ओवरबर्डन है और क्या है कोल का वेट है, सॉरी यहाँ पे आयतन मैंने लिख दिया है वो है वेट। ठीक है, डब्ल्यू वेट है। ठीक है, तो स्ट्रिपिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया, तो स्ट्रिपिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन, ध्यान रखिएगा कि वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन जो लेना हम लोग को मीटर क्यूब में लेना है और वेट ऑफ द रिकवरेबल मिनरल्स रिजर्व इन टन में लेना है। ठीक है, क्या मिलना है, टन में ओवरबर्डन को मीटर क्यूब में लेंगे और जो कोल होगा जो भी हमारा मिनरल्स होगा उसको टीस में लेंगे, टन में लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या किए, इसमें इसका वैल्यू जो हमारे पास जो वैल्यू था उसको पुट कर दिए, ये डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ था हमारे पास। ठीक है, क्या कि जो वो ओवरबर्डन है वो 300,000 m³ है और जो रिकवरेबल जो हमारा मिनरल्स है जो कोल है वो कितना है
डेढ़ लाख है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये ऑल जीरोस कैंसिल होंगे, ठीक है, ऊपर बचे 30, नीचे बचेगा 15, कैंसिल आउट होगा, दैट इज 2:1, ठीक है। हमारे पास आंसर क्या आया, 2:1, ठीक है, ये हमारा वैल्यू है। तो ये हमारा हुआ आंसर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, उसी माइन में अलग अलग मशीन को उपयोग करने के लिए स्ट्रिपिंग रेशियो निकाला जाता है कि कौन सा स्ट्रिपिंग रेशियो जो है किस मैकेनाइजेशन के लिए क्या उपयोगी है। तो इसको याद कर लेंगे, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि ओपन कास्ट को खोलने के लिए या मैकेनाइजेशन करने के लिए कौन कितना रेशियो पे कौन सा मैकेनाइजेशन उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पहला आता है मैनुअल क्वारी, तो मैनुअल क्वारी में जो स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होना चाहिए, तो 1:1 होना चाहिए, ठीक है। सेमी मैकेनाइज में 1:2, ठीक है, और बकेट विल एक्सक्वेटर के लिए 1:3-4, यानी कि एक टन कोयला निकालने पे हम लोग को खर्च कितना होना चाहिए, कितना वो भी हटाना होगा, 3-4 मीटर क्यूब, ठीक है। उसी तरह से सॉवेल डंपर को देखेंगे तो 1:4-6 है, और उस तरह से ड्रैग लाइन को देखेंगे तो 1:7-10 है। ये टेबल को अच्छी तरह से याद कर लेंगे क्योंकि इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान करें, इस वीडियो को स्किप ना करें। उसके साथ मैंने कुछ क्वेश्चन को भी लिया है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब हम कुछ तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। जैसे कि हर बार हर वीडियो के साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, शेयर करता हूँ और डिस्कस भी करता हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो के साथ में कुछ क्वेश्चन हैं आपके साथ, आपके लिए, ठीक है। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द हैंडिंग फिगर ऑफ द माइन फॉर द ईयर 2014-15 वाज द फॉलोइंग, मतलब कि 2014-15 में जो हैंडलिंग मटेरियल्स है उनका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसमें आपको स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है। तो वो भी हैंडलिंग इक्वल टू 5 लाख टन्स और प्रोडक्शन जो है आपका वो है 2 लाख टन एंड द डेंसिटी ऑफ द ओ भी क्या दिया हुआ है, ओ भी एंड और दोनों का साथ में दिया हुआ 2.5 एंड 1.5 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द स्ट्रिपिंग रेशियो, आपको स्ट्रिपिंग रेशियो निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आगे चलते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो दिया हुआ क्या है कि वॉल्यूम ऑफ द ओबी हैंडल दिया हुआ कितना दिया हुआ है आपका 5 लाख टन दिया हुआ है, और ऊपर से फिर वॉल्यूम ऑफ द कोल हैंडल दिया 2 लाख टन दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ द ओबी दिया हुआ है 2.5 और डेंसिटी ऑफ द कोल दिया हुआ 1.5। और तो हम लोग को यहाँ पे जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो स्ट्रिपिंग रेशियो इक्वल टू क्या है, तो वॉल्यूम ऑफ ओवरबर्डन इन मीटर क्यूब एंड वेट ऑफ द रिकवरेबल मिनरल्स रिजर्व इन टन में हम लोग को निकालना, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ जो कि हमारे कोई काम का नहीं है, जैसे कि वॉल्यूम ऑफ कोल हैंडल, दैट इज द कोल का पहले ही वो टन में वेट दिया हुआ है, ना कि वॉल्यूम नहीं दिया हुआ है, वो क्या वेट दिया हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा डेंसिटी का जो कोल का वो हमारे लिए कोई काम का नहीं है, ठीक है। और ये क्वेश्चन को बहुत घुमाने के लिए आपके लिए डेटा दिया हुआ, तो बहुत ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखिए हम लोग पहले क्या कर लेते, वॉल्यूम ऑफ ओ भी निकाल लेते क्योंकि वो हमारा टन में ही दिया हुआ है दोनों, तो वॉल्यूम ऑफ पहले तो ये तो वो भी वेट में ही दिया हुआ, हमारा वॉल्यूम नहीं दिया हुआ किसका, वो भी हैंडल का, ठीक है। तो फॉर्मूला के हिसाब से हमको वॉल्यूम ओबी का वॉल्यूम चाहिए और जो कोल है जो रिजर्व मिनरल है रिकवरेबल उसको हम लोग टन में निकालेंगे, तो दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं। तो हमारा जो कोल हैंडल वो तो दिया हुआ टन में, ठीक है, बट जो भी है उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो ओबी का कैलकुलेशन जो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ओबी जो टन्स में है उसको डिवाइड कर लेंगे उसको डेंसिटी से, तो हमको हमारा जो वॉल्यूम है वो निकल जाएगा, ठीक है। वो क्या निकला, 2 लाख मीटर क्यूब, ठीक है। अब आते हैं हम लोग इस फॉर्मूला में इस वैल्यूज को पुट कर लेंगे, ठीक है। तो 2 लाख मीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 लाख टन वैल्यू पुट करने के बाद और दोनों को जब कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास बचेगा सिर्फ 1:1, यानी कि इसका जो आंसर सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। क्या आंसर सही होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊपर के दिए गए प्रश्न में स्ट्रिपिंग रेशियो को देखते हुए बताना है कि कौन सा खनन तरीका जो है हमारे लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ऊपर में रेशियो जो निकला था हमारा क्या, 1:1, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैनुअल क्वायरी, ठीक है। तो
इसको ध्यान रखिएगा, ऊपर और रेशियो अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत ना हो। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है बी डब्ल्यू ई के लिए स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होना चाहिए। तो बी डब्ल्यू ई के लिए स्ट्रिपिंग रेशियो कितना होगा, वो होगा 1:3:4। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो हमारा है, नीचे दिए गए कथन मैकेनाइज यानी प्रकार के उपयोगी को प्रभावी नहीं करता है। मतलब कि मैकेनाइजेशन जो हम लोग जो अप्लाई करेंगे किसी माइंस में, उसमें उस मैकेनाइजेशन को कौन सा चीज जो है वो प्रभावित न, कौन सा जो फैक्टर है वो प्रभावित नहीं करेगा, वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो पहला जो है स्ट्रिपिंग रेशियो, ये तो करता ही है, स्ट्रिपिंग रेशियो हम लोग पढ़े हैं इसी चीज के लिए कि मैकेनाइजेशन कौन सा मैकेनाइजेशन चलेगा। अगला जो है टाइप ऑफ कोल, ये भी तो इम्पोर्टेंट है, ये भी होता है, और कोल इकोनॉमिक वैल्यू ये भी है। ठीक है, तो मैकेनाइजेशन के लिए तीनों टॉपिक फैक्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। इसका आंसर इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, डी, नन ऑफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से एक न्यूमेरिकल मैंने आप लोग के लिए लाया है। ठीक है, तो नीचे दिए गए रिपोर्ट के स्ट्रिपिंग रेशियो निकालिए। ओ बी हैंडल दिया हुआ 75 लाख मीटर क्यूब, कोल हैंडल दिया हुआ 25 लाख मीटर क्यूब, एंड डेंसिटी ऑफ द कोल दिया हुआ है। ठीक है, और तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके लिए स्पेशली किया है, इसको आप सॉल्व कीजिए। इसका आंसर जो आप कॉमेंट्स बॉक्स में दीजिए। ठीक है, अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखे ताकि मैं आपको इसका सोल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में दे सकूं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हुआ होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, ताकि इस तरह के सारे वीडियो जो मैं आपके लिए बना रहा हूँ आपको मिलते रहें समय पर। थैंक यू।